सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि पूरा ज़मीन गीला हुआ है, इसका मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुका हुआ है। ओके, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बारिश रुका था, तो इसीलिए आई हैव ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, तो इसलिए मैं राइड पे जा रहा हूँ अभी। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून, देखते रहिए, आज का वीडियो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। तो गाइस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मुझे हर कोई, मतलब हर एक वीडियो में कोई ना कोई एक आदमी ज़रूर ऐसा होता है कि जो मेरे इस बाइक के माइलेज के बारे में जानना चाहता है। ऑलराइट, सो मैं भी सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी मैं भी एक बार माइलेज टेस्ट करूँगा इस बाइक में। ओके, सो एज़ पर माई नॉलेज माइलेज ये बाइक देता है 30 to 35 अभी। ऑलराइट, मैं जानता हूँ बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि यही देता है, मतलब 30 to 35। लेकिन प्रॉपरली एक मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो ऐसा बनाऊँ कि मैं 1 लीटर पेट्रोल डाल के यहाँ पर, मतलब पूरा माइलेज टेस्ट करूँ, ऐसा टाइप का वीडियो बनाने का बहुत मन है मेरा बहुत पहले से। ऑलराइट, लेकिन मैं डेफिनेटली बनाऊँगा। मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा हमेशा फुल टैंक रहता है। ऑलराइट, और मैं ये शो ऑफ बिल्कुल नहीं कर रहा कि मेरा हमेशा फुल टैंक होता है, इसका भी, इसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मेरे पास एक्सिस इंडियन ऑयल का ये क्रेडिट कार्ड है। ओके, सो उसमें 5% कैशबैक मुझे मिल जाता है जब भी मैं पेट्रोल डालूँगा इंडियन ऑयल से, कहीं से भी, कहीं से नहीं, सिर्फ इंडियन ऑयल से अगर मैं पेट्रोल डालूँ तो उसमें मुझे 5% कैशबैक मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा मैं पेट्रोल डालूँगा उतना ही मुझे कैशबैक मिलेगा। तो एज़ पर दिस रीज़न मैं डालता हूँ फुल टैंक हमेशा, महीने में मैं तीन या चार बार डालता हूँ। ऑलराइट, फुल टैंक, तो इसीलिए बस यही एक रीज़न है कि मैं, मतलब, माइलेज टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली, अगर मैं, मतलब, जो स्टफ हुआ तो डेफिनेटली आई विल मेक वन माइलेज वीडियो फॉर यू ऑल। ऑलराइट, अगर आपको भी ये माइलेज वीडियो देखने का मन हो तो आपको कुछ लिखना नहीं है, बस एक थम्स अप दे दीजिए नीचे। ऑलराइट, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको भी, मतलब, ये जानने का मन है, आप भी क्यूरियस हो इस बाइक का माइलेज कितना देता है, मैं समझ जाऊँगा। और आज हम जा रहे हैं ब्रिगेड रोड की तरफ, क्योंकि ब्रिगेड रोड एक हैपनिंग प्लेस है बैंगलोर का, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी फूड, घूमने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। So guys, this is the El Shaddai church in my right hand side. बैंगलोर में अगर आपको El Shaddai church आना है तो यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है कोरमंगला ब्लॉक सी आई बिलीव। लोकेशन तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का।
गाइस बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे अपने वीडियो में, और मुझे वो देखकर काफ़ी खुशी लगती है कि आप एटलीस्ट कमेंट करते हो, इंगेज कर रहे हो मेरे साथ, बात करने की कोशिश कर रहे हो मुझसे, तो ये देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी हो जाती है। और काफ़ी लोगों का मतलब एक क्वेरी था कि जो ये हंटर का साइड मिरर मैंने क्यों निकाल दिया है, तो उसका आंसर है कि साइड मिरर में अच्छे से दिखता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब भी मैं पतली जगह से निकलने की कोशिश करता हूँ ना, तो साइड मिरर में हल्का सा लग जाता था, तो बस ये रीज़न था। और इससे भी बड़ा एक रीज़न है कि मेरे घर में ही मेरा बाइक गिर गया था और मेरा साइड मिरर टूट गया था, तो बस उस रीज़न के लिए भाई निकालना पड़ा मुझे साइड मिरर। और साइड मिरर का क्या है ना कि अगर मैं ऊपर की तरफ घुमा के रखता हूँ साइड मिरर को, मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ रखता हूँ ना, तो उतना अच्छा नहीं दिखता, मतलब एज इन लुक्स अच्छा नहीं दिखता, बाइक का शो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है अगर मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ, ओके। लेकिन मुझे मतलब विजुअल, पीछे का विजुअल अच्छे से दिखाई देता है अगर मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ तो, ओके। लेकिन नीचे की तरफ रखता हूँ तो बहुत कूल डोप लगेगा बाइक, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये बाइक ऑलरेडी ही लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला है, और मतलब हाइट इसका छोटा वाला बाइक है, ये एवेंजर से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो छोटे बाइक में, और इसका हैंडल भी बार ऊपर ही नहीं है, जैसे कि ये हार्ले डेविडसन में ऊपर होता है ना बार, हार्ले डेविडसन का जो हैंडल है आप नोटिस करना, कोई भी हार्ले डेविडसन हो उसमें इसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर होता है, तो इसीलिए उसका जो मिरर है वो हैंडल के नीचे या फिर साइड के नीचे में रखने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसका हार्ले डेविडसन में। लेकिन बहुत सारे हंटर के जो ओनर हैं वो भी हार्ले डेविडसन को कॉपी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता था पहले, ओके, ताकि बाइक कूल लगे, कूल तो लगता है बाइक, लेकिन इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा पीछे का। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप साइड मिरर ना ही लो तो ही अच्छा है, अगर आप कूल दिखने के लिए ख़रीदना है तो आप यू कैन डेफिनेटली बाई इट, ओके। मेरा ऑलरेडी मतलब मैंने वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो वहाँ पर। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और यहाँ से राइट जाना था क्या या फिर आगे से? ओए, पता नहीं चल रहा कहाँ से जाऊँ। हे, आई कैन टेक राइट। आज मैं ब्रिगेड रोड का कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस आपको दिखाऊंगा, ऑलराइट, जहां पर जाना आपका आपके लिए वर्थ रहेगा। बेचारे का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, बुलेट है ना, और ये आदमी पतला है, लेकिन स्टार्ट कर दिया भाई ने। पतले लोगों को कम समझते हो क्या? दम होता है बहुत ज्यादा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ब्रिगेड रोड स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये क्या हो रहा है भाई? और ये है कम्युनिटी राइट हैंड साइड में मेरा। देखिए कम्युनिटी का ख़ास बात यही है कि ये काफ़ी लग्जरियस रेस्टोरेंट दिखता है लेकिन इसका प्राइस बहुत रीज़नेबल है और खाना तो माय गॉड बहुत टेस्टी, कुछ भी खा लो यहाँ का। और नागार्जुना यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है मेरा, यहाँ पर साउथ इंडियन का खाना बहुत अच्छा मिलता है इंक्लूडिंग बिरयानी। स्नीच का इतना बड़ा ब्रांडिंग, चारों तरफ स्नीच है। और स्नीच के बारे में मैंने काफ़ी सुना है लेकिन इसका एक भी कपड़ा खरीदा नहीं है मैंने अभी तक। हमें तो जाना पड़ेगा यहीं पर क्योंकि हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट यहीं पर है। पर सिर्फ क्राउड देखो आप, क्राउड। बेंगलोर के 30% जो पॉपुलेशन है ना, 100% पॉपुलेशन में 30% पॉपुलेशन यहीं पर आते हैं संडे को। और बाकी के 70% लोग अपने अपने घर में होते हैं। वेयर वॉज माई पार्किंग का लॉट? ओ इट्स हियर। ये भैया मेरा फेवरेट है यहाँ का। One hour later. तो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर और यहाँ पर फूड काफ़ी टेस्टी मिलता है। और राहुल भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यही फिर यार क्लास में जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर आपको एक बार आना चाहिए, काफ़ी टेस्टी मिलता है खाना। बाप रे बाप, ऑर्डर कर लेता हूँ पहले। अभी मुझे बहुत भूख लगा था लेकिन क्या करूं, अभी खाना आया नहीं, ऑर्डर दिया है मैंने, 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी खाना आया नहीं, तो कोक ही पी लेता हूं। सो गाइस फाइनली अभी आया है ये किम्बाप। इसको खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको पहले चॉपस्टिक से फिर पकड़ने का, फिर यहां पर सोया सॉस में डालकर डीजे के पूरा मुंह में अंदर डाल जाना चाहिए एक ही बार में, वो भी जैसे हम पुचका खाते हैं ना वैसे। बहुत सारा खाना खा लिया और अभी बस ये दो बचा है, इसको खाने के लिए मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ थोड़ा सा। One hour later. देखा यहाँ पर हायाबुसा, ओह माय गुडनेस, जिन लोगों ने धूम देखा है उसका फेवरेट बाइक है ये। ओह